ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें, अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। और सबसे पहले बात होगी यहाँ पर ट्रेंडिंग न्यूज की। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जमानत नहीं मिलेगी। मुंबई सेशंस कोर्ट का फैसला 29 अप्रैल को, अब अगली सुनवाई। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान के बाद अब गुजरात में एक्शन में बुलडोजर। साबरकांठा के हिम्मतनगर में गिराई गई अवैध इमारत। देशभर में आज मनाया जा रहा है नो हॉर्न डे, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ये बड़ी मुहिम। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क अब ट्विटर के नए बॉस, $44 बिलियन में हुआ सौदा। देखिए, जब हम तकनीक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो तकनीकी क्रांति के इस दौर में कुछ भी इम्पॉसिबल दिखाई नहीं देता। तैयारी अब हिंदुस्तान के आसमान को बाइक से नापने की है, यानी उड़ने वाली एक ऐसी फ्लाइंग बाइक जो पलक झपकते ही आपको कहीं से भी कहीं पर पहुंचा सकती है। और सबसे बढ़कर खास बात यह कि इस तरह की स्पेशल बाइक बनाने की पहल दिल्ली में हुई है। दिल्ली के 3 छात्रों ने ऐसी बाइक बनाने की ओर कदम बढ़ाया जो भविष्य में काफ़ी कारगर हम सब के लिए साबित हो सकती है। कुछ इसी तर्ज पर अब हिंदुस्तान में बाइक हवा से बातें करेगी। अब आसमान की ऊंचाई प्लेन से नहीं बाइक से नापी जा सकेगी। अब आकाश में बाइक से सैर की जा सकेगी। दिल्ली के इंजीनियरिंग के छात्रों ने इस कमाल को कर दिखाया है। ये कोशिश है उस सपने को पंख लगाने और परवाज भरने की, जिससे देश में बदल जाएगी बाइक की दुनिया। अक्सर आपने मोटरसाइकिल को, मोटरबाइक को सड़कों पर, हाईवेज पर, ब्रिजेस पर दौड़ते हुए देखा है, तेज गति से दौड़ते और दौड़ाते हुए भी देखा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं जो सड़कों पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। जी हाँ, इस बाइक का नाम है सोकरो, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, और ये सड़कों पर नहीं बल्कि कुछ ही समय बाद हवा में उड़ान भरने वाली है। इंजीनियरिंग के इन 3 छात्रों ने इस अनोखी फ्लाइंग बाइक का डिजाइन तैयार किया है। इसका मकसद एक ऐसी बाइक का निर्माण करना है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ ट्रैफिक जैम से बचने और समय बचाने के लिए होगा, बल्कि इमरजेंसी में लोगों की जान बचाने और उन्हें कम समय में अस्पताल पहुंचाने में भी होगा। दरअसल इंजीनियरिंग के छात्र सिद्धांत के मन में इस बाइक का आइडिया ट्रैफिक में फंसी एक एम्बुलेंस को देखकर आया था, और इसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट बाइक्स के बारे में जानकारी हासिल की और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी बाइक बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए जो सड़क पर नहीं हवा में चल सके। बस यही सोचा कि ट्रैफिक हम नहीं हटा सकते, रोड का एरिया भी हम एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, बट जो एयर है वो इनफाइनाइट वॉल्यूम है। तो अगर एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट एयरक्राफ्ट कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, एयरक्राफ्ट मासेस तक रीच नहीं कर पाते। सो एक ऐसा एयरक्राफ्ट, एक ऐसा व्हीकल जो एक बंदा या दो लोग चला सकते हैं, डॉक्टर पेशेंट पे सीधा जा सकता है, डिफेंस में यूज़ हो सकता है। सो एक अफोर्डेबल और ज़्यादा रीच जिस एयरक्राफ्ट की, ऐसा मोबिलिटी सोल्यूशन हो हमारा। 1 साल रिसर्च और 2 साल मेहनत, यानी पूरे 3 साल का काम करने के बाद सिद्धांत, सौरभ और दक्ष ने इस बाइक का प्रोटोटाइप बनाने में कामयाबी हासिल की, और इसमें इन्हें अभी तक 15 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं। ये जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट से प्रोटोटाइप पूरा करा है, तो ये 70% हमने पूरा कर दिया है, तो इसमें अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें और हमें जोड़नी है। तो आप देखेंगे तो इस बाइक को हम आगे पीछे और घुमा सकते हैं, पूरा सब कुछ कर सकते हैं। केवल अभी हमने इसे कंस्ट्रक्ट कर रखा है ऊपर उसके लिए, क्योंकि ये अभी चल रहा है, कार्य प्रगति पर है।
इस बाइक को फिलहाल 200 किलोग्राम तक वजन उठाने और एक बार में लगातार 3 घंटे तक की उड़ान के लिए तैयार किया गया है। साथ ही कोशिश ये भी है कि इसमें ईंधन का इस्तेमाल भी किफायती हो। हमने इसमें जो इंजन यूज करा है वो डेटोना 675 ट्रिपल सिलेंडर इंजन यूज करा है। बाकी अगर मैकेनिज्म की बात करी जाए, कंट्रोल्स एकदम नॉर्मल बाइक की तरह दिए गए हैं जैसे होते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर क्लच, गियर, ब्रेक सभी उसी तरह से? सभी उसी तरह से है, और इसको हम चाहे तो अनमैंड भी कर सकते हैं, रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर हम दूर से उड़ाना चाहे। यहाँ पे हमने इसका आर्डिनो लगा रखा है जो अनमैंड अगर करते हैं हवा में तो कंट्रोल करने में उसको हेल्प करते हैं। फ्लाइंग बाइक बनाने की इन छात्रों की सोच बेहतरीन है, लेकिन समस्या ये है कि इस काम को अंजाम देने के लिए इनके पास ना तो उतने पैसे हैं और ना ही संसाधन ताकि ये जल्द से जल्द अपने सपने को परवान चढ़ा सके। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकारी एजेंसियां या फिर निजी क्षेत्र के उद्यमी इसमें हाथ मिलाएं और इस शान की सवारी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो कमर्शियली यूज ना होते हुए लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाए और साथ ही साथ डिफेंस के पर्पज में भी यूज की जाए। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये उड़न तश्तरी हमें हवा में उड़ती हुई दिखे और लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचा पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। फ्लाइंग बाइक बनाने के लिए भारत में अब पहल हुई है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसकी पहल पहले ही हो चुकी है। अब तक कई देशों में बाइक को हवा में उड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। स्वीडन, पोलैंड, जापान जैसे कई देश ऐसी बाइक्स बनाने में कामयाबी भी हासिल दिखा चुके हैं। जरा देखिए इनकी एक झलक। बाइक से आसमान की सैर का सपना साकार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की ये पहली फ्लाइंग बाइक है जो पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च हो चुकी है। अब तैयारी इसके कमर्शियल लॉन्च की है। इस फ्लाइंग बाइक को तैयार किया है स्वीडिश पॉलिश फर्म जेटसन ने। इस बाइक का नाम है जेटसन वन और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, यानी अगले कुछ दिनों या महीनों में इस बाइक से उड़ान भरी जा सकेगी। बड़ी बात यह है कि जेटसन वन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, यानी वक्त की मांग के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट। जेटसन वन को उड़ान भरने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं है और इसे आसानी से कहीं भी लैंड कराया जा सकता है। ये 63 मील प्रति घंटा यानी तकरीबन 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। जेटसन वन का वजन 86 किलोग्राम है। करीब 2 घंटे की बैटरी चार्जिंग समय के साथ ये 20 मिनट तक उड़ान भर सकती है। अगर आप भी इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 68,000 पाउंड यानी 68,84,487 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि इसे अभी शहरों में उड़ाने की अनुमति नहीं मिली है, ये केवल ओपन लैंड में उड़ाई जा सकती है। आकाश में बाइक से परवाज भरने का कमाल जापान ने भी कर दिखाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप एली टेक्नोलॉजी ने इस होवर बाइक को तैयार किया है। इसका नाम एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन रखा गया है। बाइक की सफल टेस्टिंग के बाद कंपनी ने इसकी बुकिंग पिछले साल 26 अक्टूबर से शुरू कर दी है। इस फ्लाइंग बाइक में फिलहाल सिर्फ एक पायलट बैठ सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे मॉडिफाई कर डबल सीटर बनाया जा सकता है।
कंपनी का दावा है कि इसे एक बार में 40 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। इसकी फ्लाइंग स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसकी लंबाई 3.7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसका वजन करीब 300 किलोग्राम है। फिलहाल एक्स टूरिज्मो होवर बाइक का इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट होता है, लेकिन कंपनी का टारगेट 2025 तक इस फ्लाइंग बाइक का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन लाना है। यानी जेटसन वन की तरह जापान की ये बाइक भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो सकती है। मोटरसाइकिल से आसमान में उड़ान भरने में दुबई भी पीछे नहीं है। खबरों के मुताबिक उड़ने वाली बाइक दुबई पुलिस के बेड़े की शान बन चुकी है। इसका नाम होवर बाइक रखा गया है। दावा है कि ये बाइक जमीन से 16 फीट की ऊंचाई पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। बैटरी से चलने वाली इस बाइक को एक बार चार्जिंग के बाद 25 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। होवर बाइक छोटे हेलीकॉप्टर की तरह है, जिसके चारों कोनों पर पंखे लगे हैं जो इसे जमीन से 16 फीट ऊपर तक ले जाकर उड़ाएंगे। इसी तरह ये बाइक लैंड भी करेगी। इस सुपर ड्रोन बाइक को पुलिसिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। बाइक में 360 डिग्री कैमरे के अलावा ये ऑटो बैलेंसिंग तकनीक भी लगी है। खास बात यह है कि पूरी तरह ऑपरेशन होने पर ऐसी बाइक से न सिर्फ क्रिमिनल को आसानी से पकड़ा जा सकेगा, बल्कि आपदा में उन इलाकों में भी ये असरदार साबित हो सकती है जहां जमीन से जाना संभव ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लाइंग बाइक, अब देखिए एक हवा फ्लाइंग कार की जिसका सपना भी जल्द ही साकार होने के करीब पहुंच चुका है। दुनिया के कई देशों में कई कंपनीज ने फ्लाइंग कार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए ज़मीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है, ताकि सफ़र जो आप करते हैं उस सफ़र में ट्रैफिक जाम का सामना करने से बचा जा सके और समय की बचत तो साथ में होगी ही। अब जमीन पर नहीं आसमान में उड़ेगी कार, जाम की टेंशन से मिलेगा छुटकारा, आकाश में मिलेगी टेंशन फ्री राइड। दुबई में हाल ही में हवा में उड़ने वाली फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग हाइपर कार का सफल परीक्षण किया गया है। दावा है कि ये कार जमीन से 3000 फीट की ऊंचाई पर करीब 217 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकती है। हवा में उड़ने वाली वॉलर EVTOL प्रोटोटाइप कार को लंदन की स्टार्टअप बेलवेदर इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसका पहला परीक्षण पिछले साल नवंबर में ही किया जा चुका है। परीक्षण के दौरान फ्लाइंग कार ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। धरती से करीब 13 फीट यानी 4 मीटर की ऊंचाई पर इसने उड़ान भरी। इस फ्लाइंग कार के हाफ स्केल मॉडल का कम से कम 8 बार फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 2028 तक ये फ्लाइंग कार बाजार में आ सकती है। जापान में उड़ान भरने वाली कारों के निर्माण में जुटी एक स्टार्टअप कंपनी ने हाल ही में अपने सपनों की गाड़ी का परीक्षण भी कर डाला। इस खास गाड़ी को इंसान खुद ऑपरेट कर सकता है। टो
टोक्यो की एक कंपनी ने अगस्त 2021 के शुरुआती हफ्ते में अपनी ड्रीम कार का परीक्षण किया। टेस्ट साइट पर करीब 4 मिनट तक की गाड़ी हवा में ही रही। ये कार सड़क पर दौड़ने वाली साधारण कार से बिल्कुल अलग है और 2 गाड़ियों की पार्किंग वाली जगह पर इसे आराम से खड़ा किया जा सकता है। अगर बात करें इस फ्लाइंग कार के डिजाइन की तो ये प्रोपेलर लगे बाइक की तरह से ही नजर आती है। कंपनी का कहना है कि ये दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइंग कार है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। इसमें प्रोपेलर लगाए गए हैं जो इसे जमीन से हवा में ले जाते हैं। टेस्टिंग के दौरान ये फ्लाइंग कार जमीन से 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 4 मिनट तक हवा में रही। इस टेस्टिंग कार में एक ही शख्स के बैठने की जगह है। कंपनी का दावा है कि 2023 तक ये कार और लोगों का कार में उड़ने का सपना साकार हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में शामिल और टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया। कंपनी की तरफ से इस सौदे को लेकर जानकारी दी गई है। 44 अरब अमेरिकी डॉलर में यह सौदा पूरा हुआ। पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को खरीदने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई दिनों से जिस खबर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था वो आखिरकार सोमवार देर रात कंफर्म हो गई, यानी ट्विटर पर एलन मस्क ने मुहर लगा दी। ये डील 44 बिलियन डॉलर में हुई है। 25 अप्रैल को रात 9:42 पर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। एलन मस्क के इस ट्वीट के बाद लोगों को करीब करीब भरोसा हो गया था कि ट्विटर को खरीदने की डील अपने आखिरी दौरे में है और उसके कुछ घंटे बाद ही डील पक्की होने की खबर आ गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार एलन मस्क के ऑफर पर ट्विटर के बोर्ड के अंदर बातचीत जारी थी। दरअसल एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट करना होगा और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला किया था। ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदने के कुछ ही दिनों बाद एलन मस्क ने कहा था कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट होना पड़ेगा। इतने स्टेक से वो ट्विटर में कुछ खास बदलाव नहीं ला सकेंगे, इसलिए उन्होंने ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया। ट्विटर डील फाइनल होने के बाद एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा भी है कि डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए फ्री स्पीच जरूरी है। वो चाहते हैं कि ट्विटर प्रोडक्ट एनहेंसमेंट और नए फीचर्स के साथ अब तक का सबसे बेस्ट स्पेस बने। ट्विटर का एल्गोरिथम ओपन सोर्स किया जाएगा ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। अब ट्विटर पर सभी ह्यूमन को ऑथेंटिकेट किया जाएगा और बॉट्स का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। फ्री स्पीच को लेकर एलन मस्क काफी समय से बात करते आए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ट्विटर खरीदते ही मस्क ट्विटर में बड़े बदलाव करेंगे। ट्विटर के एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करने से लेकर एडिट बटन का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। ट्विटर के बड़े अकाउंट्स जो बैन किए गए हैं उन्हें भी एक्टिव किया जा सकता है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि एलन मस्क के ट्विटर खरीदते ही पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ट्विटर के हर यूजर्स को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। स्पैम अकाउंट और स्पैम बॉट्स को हटाने की भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि मस्क इसे ट्विटर के लिए सबसे खराब बात मानते हैं। शुरुआत में जब ट्विटर के लिए एलन मस्क ने ऑफर दिया था तो कई बड़े स्टेक होल्डर्स ने इसे ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में बोर्ड को यह ऑफर पसंद आया। अब एलन मस्क ट्विटर खरीद चुके हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मौजूदा सीईओ पराग अग्रवाल ही ट्विटर के सीईओ बने रहेंगे या फिर किसी और को सीईओ बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ पारा आसमान छू रहा है तो दूसरी तरफ सैलानी पहाड़ों का रुख भी करने लग गए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा इस बार पर्यटकों की भीड़ जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में जमकर पहुंचने लग गई है। मेघालय में सैलानियों की भीड़ तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। कहते हैं कि पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही वहां शांति होती है।
इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पहाड़ की चोटी से नीचे नदी में गिरते झरने, इस दिलकश नजारे को हर कोई जी भर कर देख लेना चाहेगा, अपनी आंखों में समा लेना चाहेगा। घने कोहरे से ढके ये पहाड़ देख ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि धरती का स्वर्ग भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में भी बसता है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। शायद यही वजह है कि पिछले सालों के बनिस्पत इस बार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सैलानियों की भीड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। A lot of things about Meghalaya, like it's a beautiful state, especially the upper Meghalaya, Cherrapunji and Dauki, Maulinong, they are beautiful. Then another attraction is the living root bridges. So those are the things I want to see, and there are number of beautiful waterfalls which I don't want to miss. देश के दूसरे हिस्सों में पारे ने रंग दिखाया तो लोग पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। इन तस्वीरों से साफ है कि मेघालय पर्यटकों से गुलजार है। वो यहाँ घूम रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और इन हसीन वादियों को जमकर निहार रहे हैं। टूरिस्ट तो पूरा आ रहे हैं, ठीक है, भरपूर आ रहे हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट का कमी नहीं है यहाँ पे। ये डाउकी, मालीलोंग, आपका चेरापुंजी, शिलोंग सिटी में भी है, जगह बहुत है घूमने के लिए। फिलहाल सैलानियों को देख सिर्फ मेघालय ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरों पर चमक है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड पर्यटन से उनके रोजगार में भी रिकॉर्ड इजाफा होगा। शिलांग से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ नजर डाल लेते हैं उन तमाम वीडियोस पर जो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। कामयाबी के लिए जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ही जैसे दौड़ते हुए घोड़े पर ये लड़की और लड़का दिखा रहे हैं। बेहतरीन तालमेल के साथ करतब दिखा रहे इन दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है। जरा सी चूक से ये घोड़े से नीचे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि बैलेंस परफेक्ट है। देखिए बैलेंस, संतुलन जरा सा बिगड़ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो इस बिल्ली के साथ हुआ। वीडियो में एक पालतू बिल्ली को सोफे पर रखे टैबलेट पर गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। टैबलेट पर कई सारे फ्रूट्स को देखकर बिल्ली उसे अपने पंजे से काटने की कोशिश कर रही है। इस दौरान वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर सोफे से नीचे गिर जाती है। जानवरों में डॉग्स को सबसे वफादार माना जाता है, लेकिन इस डॉग की वफादारी उस पर भारी पड़ गई। इसके मालिक ने रस्सी से पानी में छलांग लगाई तो डॉग को लगा कि उसका मालिक नीचे गिर गया है और डूब रहा है। फिर क्या था, डॉगी ने आओ देखा ना ताओ मालिक को बचाने के लिए छलांग लगा दी। मालिक तो मजे से पानी में तैरने लगा, लेकिन डॉग पहाड़ पर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगा। इस मुर्गी को देखिए जो अपने बच्चे और अंडे के पास किसी को भटकने नहीं देती, लेकिन इस क्यूट पपी के एंट्री पर कोई बैन नहीं है। मुर्गी को पता है कि डॉगी का ये बच्चा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। देखिए पपी कैसे मुर्गी और उसके बच्चों के साथ खेल रहा है। इनकी दोस्ती सोशल मीडिया पर खूब लाइक की जा रही है। दो लड़कियों का बतखों के तौर तरीकों की नकल करते और साथ में डांस करते हुए एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्मैक मैक्रेना और मालिया बेकर नाम की ये दो लड़कियां डांस करते हुए और बतख की नकल करते हुए देखी जा सकती हैं। स्मैक बतख की तरह हरकत करने लगती है, कुछ डांस मूव्स के बाद उसके साथ मालिया भी जुड़ जाती है और दोनों बतखों की अलग अलग पोज की नकल करके एक शानदार डांस करती हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रियो कार्निवल का अद्भुत नज़ारा। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में कार्निवल चल रहा है और सैकड़ों की तादाद में सांबा डांसर्स थिरकते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान भव्य झांकियां भी निकाली जा रही हैं और खास बात यहां पर देखने वाली ये है कि इन झांकियों के जरिए कई संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। इस बार की परेड में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसी तमाम हस्तियों को जगह भी दी गई है।
रंग देखिए, टशन देखिए, सड़कों पर बिखरी ये चमक देखिए। नजारा है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का, जहां मची है रियो कार्निवाल की धूम। बैंड की धुन पर हजारों की तादाद में लोग झूमते नजर आए। इस जश्न में वेनेजुएला के शरणार्थी भी शामिल हुए और वेनेजुएला के संघर्षों का मुद्दा भी उठाया गया। इस परेड में खूबसूरत झांकियां भी निकाली गईं और इनके जरिए कई अहम संदेश दुनिया को दिए गए। खास बात यह है कि इस परेड में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे महापुरुषों की तस्वीरों को भी शामिल किया गया। रियो कार्निवल की शुरुआत 20 अप्रैल से हुई थी और ये 30 तक यूं ही चलेगा। यूं तो ये कार्निवल हर साल फरवरी में होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन अप्रैल में किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी कार्निवल में सांबा डांसर्स का जलवा दिखा। कोरोना की वजह से 2 साल के ब्रेक के बाद इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लिहाजा क्या कलाकार, क्या आयोजक और क्या दर्शक, हर कोई खुशी और उल्लास से झूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था के महातीर्थ की करते हैं। पिछले 2 साल से संक्रमण की वजह से 4 धाम यात्रा पर रोक से भक्त निराश थे, लेकिन उनका यह सपना 3 मई को पूरा होने जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। सीएम धामी खुद इस पर निगाह रखे हैं। पिछले 2 सालों से भले ही कोरोना की वजह से 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रहा हो, लेकिन अब जल्द ही भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तराखंड सरकार भी 4 धाम यात्रा के लिए तैयार है, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी न हो, उसके लिए लगातार उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। इस बार यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी श्रद्धालु, सारे पर्यटक, सारे यात्री ठीक प्रकार से आए, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और बिना किसी बाधा के। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि इस बार की 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। 3 तारीख को हमारे गंगोत्री यमुनोत्री का कपाट खुल रहे हैं, 6 को केदार बाबा के कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के, और 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। हमारी पूरी तैयारियां हो रही है और सभी इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी। 4 धाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुँचते हैं, ऐसे में जरूरी है कि यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। पानी से लेकर दूसरी तमाम सहूलियत यात्रियों को देने के लिए राज्य सरकार जुटी है। प्रशासन को अभी से ही अलर्ट कर दिया गया है, तेजी से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो अब बस इंतजार है 3 मई का, जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए लंच टाइम में अब बात करेंगे महाकाल के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज़ की। देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अब ब्रेकफास्ट भी साथ में मिलेगा। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में नाश्ता दिया जाएगा, जिसमें भक्तों को चाय मिलेगी, पोहा मिलेगा, कहीं खिचड़ी भी मिल जाएगी। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए उज्जैन में भक्तों का हुजूम उमड़ता है, क्योंकि उज्जैन के महाकाल मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। दुनिया के कोने कोने से लोग महाकाल की कृपा पाने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ आकर महाकाल का दर्शन कर आशीर्वाद पाने की पूरी प्रक्रिया में सबसे खास होता है वो वक्त, जब यहाँ होती है महाकाल की भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती सुबह के पहले पहर में होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालु देर रात को ही मंदिर पहुंच जाते हैं। अब तक महाकाल के भक्त
आरती के लिए घंटों भूखे और प्यासे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाबा महाकाल के धाम में श्रद्धालुओं के लिए खास प्रसाद का इंतजाम होगा। अब मंदिर समिति की तरफ से भस्म आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय, पोहा और खिचड़ी की फ्री सुविधा रहेगी। मंदिर समिति गुरुवार से नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके मुताबिक हर दिन श्रद्धालुओं को चाय नाश्ता बांटा जाएगा। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही नाश्ता मिल सकेगा। सप्ताह के सातों दिन अलग अलग मेन्यू रहेगा। इसके लिए 50 लीटर दूध लगेगा। साथ ही नाश्ते के लिए रोजाना 40 किलो पोहा लगेगा। नाश्ता बनाने के लिए रात 2 बजे से एक नई शिफ्ट में कर्मचारी आएंगे। नाश्ते के लिए बकायदा टोकन बांटे जाएंगे। इसके लिए 4 काउंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। महाकाल के मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में मिलने वाले नाश्ते को लेकर 2019 में ही प्रस्ताव आया था, लेकिन कोरोना काल में लगे प्रतिबंधों के चलते महाकाल मंदिर के द्वार भी बंद करने पड़े थे। इसके बाद से ही इस व्यवस्था को शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, जो 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच एक गुड न्यूज आपको देते हैं। बहुत जल्द हमारे और आपके घरों में जिस तेल से खाना बनाया जाता है, उस तेल से बायोडीजल तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत अब उत्तराखंड में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने कर दी है। क्या है पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक आपके पास पेट्रोल के विकल्प के तौर पर सीएनजी और एलपीजी मौजूद थे, लेकिन अब जल्द ही डीजल की गाड़ियों के लिए भी सस्ता और बेहतर ईंधन मिलने वाला है। आपके और हमारे घरों में जिस तेल से खाना बनाया जाता है, अब उस बचे हुए या जले हुए तेल से बायोडीजल तैयार किया जाएगा, जो आम डीजल के मुकाबले करीब 40-50% सस्ता होगा। यानी देश में पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों से ढीली होने वाली आपकी जेब पर जल्द ही लगाम लग सकती है। इसके लिए एक संस्थान ने बड़ी पहल की है और जल्द ही बायोडीजल का ये सपना पूरा भी होने वाला है। हैंड ड्रिपिंग यूनिट है, इसमें कोई बिजली की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हाथ से ही हम मिक्स करके इससे 2-3 घंटे में बायोडीजल तैयार कर सकते हैं बचे हुए तेल से। और इसके अलावा हम यहाँ पर खाद्य मतलब ये क्रॉपिंग भी कर रहे हैं, जिससे पेड़ उगाएंगे, उसके जो बीज होंगे उनसे हम तेल निकाल के उससे भी बनाया जा सकता है। हालांकि ये शुभ समाचार सिर्फ आपकी जेब के लिए नहीं है, बल्कि बायोडीजल बढ़ते प्रदूषण से भी मुक्ति का एक जरिया है। दरअसल खाने वाले तेल को अधिकतम 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद उसमें होने वाले रिएक्शन की वजह से वो जहरीला हो जाता है और खाने के लिए उपयोगी नहीं रहता। लिहाजा इस्तेमाल होने के बाद बचे हुए या जले हुए कुकिंग ऑयल से बनने वाला बायोडीजल प्रदूषण मुक्त ईंधन है और डीजल की तरह वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुँचाता। यानी न तो आपकी जेब पर असर होगा और न ही पर्यावरण को नुकसान। पहल सराहनीय है तो प्रोत्साहन भी जरूरी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के मंत्री सत्यपाल महाराज ने भी इसे एक सराहनीय पहल करार दिया। ये बहुत अच्छा मतलब जो है ये उपाय है, जिसमें कि आप जो है एडिबल ऑयल जो यूज हो चुका है और जो जो एकदम वेस्ट हो चुका है
उसको आप यूज करके उसमें से जो आप जो है रूम टेम्परेचर में बायो डीजल आप बना रहे हैं, तो अपने आप में ये मैं समझता हूँ कि जो खराब चीज है उसका उपयोग कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत क्रम है और मैं समझता हूँ उसको साधुवाद देना चाहिए। अगर आपके पास भी डीजल से चलने वाली गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए आपको मोटी रकम नहीं चुकानी होगी। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। देखिए बॉलीवुड में ना नई पीढ़ी दस्तक देने जा रही है। वैसे तो लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम है सारा तेंदुलकर का। सारा तेंदुलकर, जी हाँ, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी है। सोशल मीडिया पर आपने उनकी काफ़ी फोटोज देखी होंगी। अब बॉलीवुड में हाथ आजमाने की तैयारी कर रही हैं वो। अमिताभ कनाती, शाहरुख की बेटी, सचिन तेंदुलकर की लाडली, श्रीदेवी की छोटी बेटी, बॉलीवुड में स्टार किड्स की एंट्री। जल्द ही बॉलीवुड में आपको कई नए चेहरे सुनहरे पर्दे पर अलग अलग किरदार में नजर आएंगे। ये चेहरे भले ही नए हों, लेकिन इनके पीछे जो नाम है उन्हें आप पिछले कई सालों से लगातार देखते और सुनते आ रहे हैं। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर की बहन और निर्देशक जोया अख्तर ने हाल ही में फिल्म द आर्चीज की शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म विदेशी कॉमिक्स आर्चीज से इंस्पायर्ड है। खास बात यह है कि इस फिल्म में मुख्य किरदार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के लाडले अगस्त्या नंदा निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर का भी अहम रोल होगा। हाल ही में अमिताभ ने अगस्त्य का जोश बढ़ाने के लिए एक पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। एक तरफ जहां ये तीनों जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, तो वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी बॉलीवुड में हाथ आजमाने निकल पड़ी है। वो भी अब डेब्यू कर सकती है। खबरों की माने तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, और इस खबर ने सारा के फैंस को खुश कर दिया है। सारा मोस्ट पॉपुलर स्टार किड्स में एक मानी जाती हैं। लुक्स और स्टाइल के साथ साथ सारा की चार्मिंग पर्सनालिटी फैंस को काफी ज्यादा पसंद है, और खास बात तो ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सारा को खास दिलचस्पी भी है। सारा ने अपनी पढ़ाई मेडिसिन में लंदन यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन अब वो ग्लैमर वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि सारा शाहिद कपूर के ऑपोजिट बॉलीवुड डेब्यू कर सकती हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने ये कहकर इन खबरों को नकार दिया था कि उनकी बेटी फिलहाल पढ़ाई पर फोकस कर रही है। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सारा तेंदुलकर जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। फिलहाल तो अभी इन स्टार किड्स को पर्दे पर आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन इन खबरों ने फैंस को एक्साइटमेंट से जरूर भर दिया है। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। और अब हौसले से और जज्बे से भरी एक एक्ट्रेस की कहानी आपको बताते हैं, जिसने हंसते हंसते कैंसर की जंग को जीत लिया। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस छवि मित्तल ने उन लोगों के लिए मिसाल कायम की है जो जरा सी परेशानी से घबरा कर जिंदगी से हार मान लेते हैं। दिल का दर्द डांस में छुपाया, डांस चेहरे पर मुस्कान लेकर आया। छवि ने कैंसर को हंसते हंसते हराया। सीरियल तुम्हारी दिशा की लीड एक्ट्रेस और ढेर सारे सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुकी फेमस एक्ट्रेस छवि मित्तल, जो दो बच्चों की माँ भी है, उनके इस डांस को जरा और से देखिए। जगा ले तू जगा ले जज्बा,
चेहरे पर मुस्कान लिए छवि जिस रूम में डांस कर रही है, दरअसल वो हॉस्पिटल का रूम है जहां उनके कैंसर की सर्जरी होनी है। ऐसे में जहां आम आदमी और उसकी फैमिली दुखी और उदास होती है, ऐसे में छवि मित्तल और पीछे खड़े उनके पति मोहित हुसैन नाच रहे हैं और हंस रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाली और प्रेरणा से भरी एक कहानी है जिसे एक्ट्रेस छवि मित्तल ने सच करके दिखाया है। छवि मित्तल की ये सर्जरी कल यानी 25 अप्रैल को 11 बजे हुई थी और जो फाइनली सफल भी रही, और इस बात की जानकारी खुद छवि ने दी है। एक्ट्रेस छवि मित्तल के इस जज्बे को वाकई सलाम है और उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो परिस्थितियों के आगे हार मान जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म को मानता हूं जिसने सारी दुनिया को भाईचारे का पाठ सिखाया। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। जी हाँ, और इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि कल अब आप सभी से मुलाकात होगी हम दोनों की। आएंगे लंच टाइम में, परोसेंगे ढेर सारी डिशेज। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।